गुड मॉर्निंग, आज है डे 16 और हमारे नेक्स्ट 15 डेज की शुरुआत होगी। मतलब आज फर्स्ट डे है, पहले 15 डेज हमने अच्छे से सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए। अभी नेक्स्ट 15 डेज जो होते हैं वही सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि अरे इतने सारे दिन कर लिए, 15 डेज हो गए, अब ठीक है ना, एक आध दिन छूट गया तो चलेगा, ऐसे सारे रीजंस देने लगेगा माइंड। बट हमें यही नहीं करना है। ये 15 डेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फर्स्ट वाले में तो एक्साइटमेंट होती है तो कर ही लेते हो, अभी कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो हम करेंगे। तो आज डे 16 है और हम चलते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है डे 17 और आज आके बहुत सारे काम है, इसलिए चलो जल्दी से। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है डे 18 और आज मैं 6 बजे नहीं उठी हूँ, आज मैं 2 बजे उठी हूँ। 12:30 सोई थी और 2 बजे उठ गई, क्योंकि आज मैं एक शूट के लिए जा रही हूँ आउट ऑफ मुंबई और मेरी फ्लाइट है 6 बजे की सुबह और मुझे 4 बजे एयरपोर्ट पहुँचना है। तो मैं हार्डली 1-1.5 घंटा सोई हूँ और उठ गई हूँ और रेडी हो गई हूँ और अभी बज गए हैं 3:30 और मैंने कैब बुला ली है नीचे, अभी 2 मिनट में आती होगी और मेरे बैग्स, मेरा सब कुछ रेडी है और बस मैं जाती हूँ। और मैं कहाँ जा रही हूँ और जो शूट का व्लॉग है वो अलग से बनेगा, ये तो हमारा जो अर्ली मॉर्निंग उठने की जो एक नई आदत मैं डाल रही हूँ उसका व्लॉग है, उसमें मैं डालूंगी। तो आज मैं वॉक पे नहीं जा पाई हूँ बट हाँ मैं उठ गई हूँ टाइम पे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस, आज है डे 19। देखो मैं आज भी उठी हूँ, मैं 6 बजे नहीं, आज मैं 4 बजे उठी हूँ और मैं नहा के अपने बाल वाल सब कुछ सेट करके रेडी हूँ और बस अभी आई थिंक 10 मिनट में मेरे मेकअप हेयर आ जाएंगे और फिर मैं मेकअप करना स्टार्ट कर दूंगी। मेरा शूट है और ये जो जगह है मैं बाहर दिखाऊंगी तो आप, जंगल है एक्चुअली ये, तो मैं बाहर वॉक करने भी नहीं जा सकती और थोड़ा रिस्की है, जो जगह आप जानते नहीं हो वहाँ पे अकेले नहीं निकलना चाहिए। सो हाँ मैं वॉक के लिए नहीं जा रही हूँ बस, और वैसे टाइम भी नहीं है। हाँ बट मैं उठी हूँ, आज डे 19 है पर आज भी उठी हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है डे 19 और आज भी मैं 6 बजे नहीं, आज मैं 4 बजे उठी हूँ। 1 बजे हम लोग ऊटी पहुँचे थे और वायनाड, आई थिंक फाइनली मैं बोलना सीख गई हूँ वायनाड, आई डोंट नो, वायनाड से हम लोग निकले थे कुछ, पता नहीं कितने बजे निकले थे बट रात को 1:15 बजे हम ऊटी पहुँच गए थे और यहाँ बहुत ठंड है और आई थिंक हार्डली 2-2.5 घंटे हम सोए हैं और मैं उठ गई हूँ, मेकअप हेयर के लिए मैं रेडी हो गई हूँ नहा के और बस अब ये गर्म पानी पीऊँगी तब तक शायद वो लोग आ जाए मेकअप के लिए। यहाँ पे वॉक करने वर्ड्स नहीं निकल रहे हैं, रुको। यहाँ पे वॉक करने जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं जानती मैं किसी के बारे में और प्रोडक्शन हाउस मुझे जाने भी नहीं देगा क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो अभी मैं, सो हाँ वो सब पॉसिबल नहीं है और हमारी बॉडी इतनी थकी हुई है कि हम वो सोच भी नहीं सकते। सो हाँ ठीक है, बट मैं जो मेरा प्रॉमिस था 30 डेज का वो तो कर ही रही हूँ, आई थिंक अभी तक तो मिस नहीं हुआ है एंड आई होप अभी जितने भी दिन बाकी है 1 भी दिन मिस नहीं करूँ मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। और ठीक है, आई थिंक कल हमारे 20 दिन ख़त्म हो जाएंगे
तो बहुत खुशी हो रही है मुझे कि मैं ये कर पा रही हूँ। चीयर्स। और अगर मेरी शक्ल अभी कुछ समझ नहीं आ रही है, मुझे पता है मतलब मेरी शक्ल बहुत उतरी हुई, बहुत ज़्यादा थकान है। कल का जो शूट था हमारा, उसमें ना हमने ब्रेकफास्ट किया है और ना लंच। स्पेशली हम दो एक्टर्स, मैं और जो हीरो था वो, हम दोनों को बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला ना ब्रेकफास्ट का ना लंच का। हमने डायरेक्टली डिनर किया, बीच में शायद बनाना चिप्स या ऐसा कुछ खा लिया, बट हमें लंच ब्रेकफास्ट लंच का बिल्कुल टाइम नहीं मिला। रात को ही खा। तो यहाँ पे शूट्स में ये सब बहुत हो जाता है, तो शक्ल भी ऐसी हो जाती है, क्या करें। एनीवे काम है। ओके, मैं मिलती हूँ आपको कल। हेलो गाइस, अभी मैं हूँ कोयम्बटूर एयरपोर्ट पे और अभी बच गए, मतलब हम रात को निकले थे और अभी बच गए कुछ सुबह के 5:30। हम 3:30 बजे यहाँ पहुँच गए थे और 2 घंटे से वेट ही कर रहे हैं। और हाँ, मतलब आज भी मैं जल्दी उठी हूँ। आज कौन सी डेट है वो भी मुझे याद नहीं है। आज है डे 22। यस, और आई थिंक मुझे तो याद भी नहीं है कि मैंने कल का वीडियो बनाया था कि नहीं बनाया था, बट हाँ शायद तो नहीं बनाया है, अभी याद आ रहा है तो मैं बता रहा हूँ। कल भी मेरा शूट था अर्ली मॉर्निंग का, 5:30 का कॉल टाइम था, तो मैं 4:30 उठी थी। तो आज हमारे 22 डेज कंप्लीट हो गए। मैं फेस इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, पूरा दिन शूट करके रात को निकले हैं। तो आई थिंक मुझे लगता है फेस नहीं दिखाना ही सही रहेगा। गुड मॉर्निंग गाइस, आज डे है 23। आज एक ही दिन ऐसा है जब मैं नहीं उठी हूँ, क्योंकि आपने जैसे देखा कि कल परसों मतलब पूरी रात हम लोग कुछ लेट नाइट निकले थे एयरपोर्ट जाने के लिए, और हम कुछ 3:30 या 4 बजे कुछ एयरपोर्ट पहुंचे कोयम्बटूर, और वहाँ से बिल्कुल एनर्जी नहीं, और वहाँ से हमारी सुबह 6 बजे की फ्लाइट थी। तो काफ़ी लंबी जर्नी रही है, और जहाँ हम गए थे ऊटी, वहाँ वो हाइट पे है तो वहाँ का प्रेशर हवा का अलग होता है। वहाँ से हम जब नीचे आए एयरपोर्ट के लिए तो वो प्रेशर कम अलग था, तो वहाँ से मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब होना स्टार्ट हो गई। और फिर वहाँ से वापस हम फ्लाइट में बैठे तो जब मुंबई के लिए आ रहे थे तो मेरे कान भी काफ़ी पेन कर रहे थे फ्लाइट में। सो ऐसे वेदर चेंज की वजह से ना काफ़ी हेल्थ में प्रॉब्लम हो रही है। मुझे काफ़ी कोल्ड हो गया है, कल मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मैंने काढ़ा पी के, दवाई पी के, मैंने कैसे भी करके थोड़ा सा खुद को ठीक किया है। और अभी मैं दूसरी एड शूट के लिए जा रही हूँ गोवा। सो मेरे पास, मुझे इस एक दिन में रेस्ट करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं उठ पाई हूँ। और आई होप मैं आगे जो भी दिन बचे हैं कुछ 7-8 दिन, उसमें मैं एक भी दिन मिस ना करूँ। मैं मेरी पूरी कोशिश रहेगी, क्योंकि एक दिन भी मिस करती हूँ तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है। सो आज का दिन मिस हो गया, बट आई थिंक कोई बात नहीं, बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत थी और आपको अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आप उससे बहुत काम लेते हो। सो आई थिंक मैंने मेरी बॉडी से बहुत काम करवाया था। ये जो पिछले 4-5 दिन बिल्कुल नींद नहीं मिल रही थी, और ऐसा शूट था काफ़ी, मतलब हार्डली 2-3 घंटे की नींद हो रही थी और ठंड भी बहुत थी, तो ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, काम के लिए कुछ भी। सो मैं एक दिन नहीं उठ पाई हूँ, बट दैट्स ओके, आई थिंक कल से मैं कंटिन्यू करूँगी। गुड मॉर्निंग गाइस, आज शेड्यूल 28 और आज मैं मुंबई में हूँ और आज फाइनली मैं वॉक पे जा रही हूँ। मुझे इतना पता है कि मैंने ये जो बीच के जो भी दिन थे उस पर वीडियो शायद नहीं बना पाई हूँ, पर मैं सारे दिन उठी हूँ। सिर्फ एक दिन नहीं उठी थी जो मैंने उसका वीडियो बनाया था, जब मैं एक दिन के लिए मुंबई आई थी और मेरी तबीयत ख़राब थी। आज भी इतनी कोई ठीक नहीं है तबीयत, मतलब ओके गाइस,
सो आज है फर्स्ट फेब, और जो लास्ट वीडियो मैंने बनाया था वो था डे 23 का, और उसी दिन मैं मॉर्निंग आफ्टरनून फ्लाइट से गई थी, और रात को लेट हम मुंबई से गोवा पहुंचे, गोवा से दांडेली लेट नाइट, और फिर नेक्स्ट डे से मतलब 23rd के बाद 24, 25th और 26th का मेरा शूट था, और तीनों ही दिन पे मेरा कॉल टाइम जो था वो सुबह 6 बजे का होता था, तो मुझे 5 बजे उठना पड़ता था, पर मैं वॉक नहीं कर पाई। बट हमारा जो चैलेंज है वो अर्ली मॉर्निंग उठने का था, तो वो मेरा 26 तक तो हमने कंप्लीट किया, और 26 को शूट कंप्लीट करने के बाद शाम को आई थिंक रात को 9 बजे हम लोग निकले थे दांडेली से गोवा, 12 बजे पहुंचे गोवा, और 3 घंटे हमने एयरपोर्ट पे वेट किया, 3 बजे की हमारी फ्लाइट थी और हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंचे मुंबई, और उसके बाद बैगेज की कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो ये सब कुछ करके हम लोग कुछ मैं 5:30 बजे घर पे पहुंची। तो वो था डे 27। और उसके बाद नेक्स्ट डे 2 दिन मैं बहुत बीमार थी, मतलब मेरा थ्रोट पेन बहुत ज्यादा था और मेरी बॉडी का हर एक पार्ट, मतलब एक एक मसल इतना ज्यादा पेन कर रहा था, क्योंकि मैंने बैक टू बैक शूट किया, और दोनों ही शूट्स पे काफी कॉल टाइम्स जो होते थे वो अर्ली मॉर्निंग के होते थे, नींद ही नहीं मिलती थी और ठंड बहुत थी, तो और ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हुआ क्योंकि लोकेशन जो भी होती थी वो बहुत एयरपोर्ट से बहुत दूर होती थी, और वहाँ से भी हमें शूट पे पहुँचने में बहुत टाइम लगता था। तो ऐसे करके आई थिंक मेरे 27 तक तो सब कुछ सही गया, 28, 29 को मैं नहीं कर पाई, आई थिंक 28 को भी, 29 को भी मैं उठी हूँ, उसका भी मैंने छोटा सा वीडियो बनाया, बट फिर ये हुआ कि दोनों ही शूट पे मैंने इतना कुछ शूट किया था, फ़ोन पे ब्लॉग बनाया था और काफ़ी रील्स का कंटेंट और सब कुछ, तो मेरे फोन पे स्पेस ही खत्म हो गई थी, और 29 को भी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बट फिर भी मैंने छोटा सा वीडियो बनाया है, वो मैं अभी डालूंगी, और आई थिंक 1 या 2 दिन और मिस हो गए क्योंकि मेरी तबीयत ही ठीक नहीं थी। तो मैं ये कहूँगी कि ये जो 30 डेज जो थे, 31 डेज, हाँ ये तो मैं ये कहूँगी कि ये जो 31 डेज थे उसमें मैंने कुछ 2 या 3 दिन कहूँगी कि मैं नहीं उठी, और वो भी मेरी हेल्थ की वजह से, और वो भी मेरा शूट आउटडोर था, इसलिए अगर मुंबई में भी होता तो मैं कैसे भी करके मैनेज कर लेती। ओके सो मुंबई में भी होता तो मैं कैसे भी करके मैनेज कर लेती, और पर ठीक है, ओके मेरा काम ऐसा ही है, मेरा काम कभी भी रातों रात हो सकता है, कभी नाइट शिफ्ट भी लग सकती है, तो ठीक है वो तो ओके है, पर मैं ये कहूँगी कि जितने भी दिन मैं उठी हूँ मुझे बहुत अच्छा फील हुआ है, और जो सुकून मिलता है अर्ली मॉर्निंग उठने का, क्योंकि इतना साइलेंस होता है, कोई आवाज़ नहीं, कुछ नहीं, आपका माइंड इतना क्लियर हो जाता है, आप जो भी डिसीजंस लेना चाहते हो या आप आगे क्या करना चाहते हो सब कुछ एकदम माइंड में सुबह सुबह क्लियर हो जाता है, तो काफ़ी बेनिफिट्स हैं अर्ली मॉर्निंग उठने के। और फिर ये होता है कि मैं जब तक प्रॉपर सुबह होती है तब तक तो मेरा सारा एक्सरसाइज, प्राणायाम, रीडिंग सब कुछ ख़त्म हो जाता था, तो बेनिफिट्स काफ़ी है। तो ये जो हैबिट है एक, ये इसको मैं ऐसा नहीं है कि 1 मंथ के लिए, इसी साल के लिए, 6 महीने कंटिन्यू करना चाहती हूँ, ये हैबिट जो है इसको मैं लाइफ टाइम के लिए कंटिन्यू करना चाहती हूँ। तो ये मेरा स्ट्रगल की लाइफ टाइम का स्ट्रगल है, मतलब पूरा कई दिन ऐसे आएंगे जहाँ पे आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, या फिर कई दिन ऐसे आएंगे जहाँ पे मैं नाइट शूट कर रही हूँ या रात को लेट आ रही हूँ, रात को लेट आऊंगी तो भी कर लूंगी, बट कई बार ऐसा होता है मैं आ ही रही हूँ सुबह 6 बजे 7 बजे घर पे काम से, तो ये सब सिचुएशंस होगी तो ठीक है कोई बात नहीं, बट बात ये है कि आपको 1-2 दिन 4 दिन नहीं भी कर पाए, बट वापस 5वें दिन आपको करना है अगर ये लाइफ टाइम कंटिन्यू करना चाहते हो तो। तो मैं तो करना चाहती हूँ, और ठीक है 1-2 दिन ऐसे गए मेरे, पर अब मैं कंटिन्यू करती हूँ इसको, और रोज का ही स्ट्रगल है, मुझे रोज ही इस चीज के लिए फाइट करना पड़ेगा, जब तक
एक आध साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएंगे, चाहे कितने भी साल लग जाए, जब तक कि मेरी लाइफ का पार्ट ना बन जाए कि अर्ली मॉर्निंग उठना ही है मुझे, तो इस पे मैं वर्क करूंगी। ये हर रोज करना पड़ेगा और खुद को रोज ही पुश करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, कोई बात नहीं, करूंगी। बट ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगी कि ये मेरा जो एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा था, और आपको एक अचीवमेंट फील होता है कि आपने कुछ, आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ अचीव कर लिया सुबह सुबह, तो आपका वो जो थॉट होता है उसकी वजह से आपको लगता है मैं और भी चीज़ें कर सकती हूँ, मैं तो ये, अगर मैंने ये कंप्लीट कर लिया तो मैं तो ये भी कर सकती हूँ। तो आई थिंक सबको ये करना चाहिए। और ठीक है, फेब में कुछ और नए चैलेंज के साथ हम काम करते हैं। और ठीक है, मैं आपको मिलती हूँ नए वीडियो के साथ।